में बरकत नहीं हो रही है तो करें ये उपाय, खोले बरकत के दरवाजे। बरकत का सीधा सा अर्थ होता है हर तरीके से सुख समृद्ध रहना, जो कि आज की भागदौड़ भरे जीवन में नामुमकिन सा हो गया है। किसी के पास पैसा है तो शांति और सुख नहीं है, और किसी के पास सुख समृद्धि है तो पैसा नहीं है। मतलब हर कोई किसी न किसी तरीके से परेशानी है, इसलिए हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिसको आप अपने जीवन में लाने से आपको कभी धन और सुख समृद्धि की कमी नहीं होगी और दिनों दिन आपका खजाना बढ़ता ही जाएगा। घर की स्त्री का सम्मान करें, दक्षिण दिशा में पैर करके ना सोएं, जितना हो सके दान करें, और हमारे हिंदू शास्त्रों में अन्न दान को सबसे बड़ा दान बताया गया है। जितना हो सके अन्न दान करें, क्योंकि प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना भी दान देते हैं वह उसे दोगुना करके लौटा देती है। अग्निहोत्र करने से भी बहुत बरकत होती है। अग्निहोत्र मतलब जब भी भोजन खाएं उससे पहले उसे अग्नि को अर्पित करें। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार अग्नि का ही होता है। नल से पानी का टपकना आर्थिक क्षति को संकेत है। अगर आपके भी घर में ऐसा होता है तो टपकते नल को जल्द से जल्द ठीक करवाएं। वॉशरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता है। घर में क्रोध कलह और रोना धोना आर्थिक समृद्धि व ऐश्वर्य का नाश कर देता है, इसलिए घर में कलह क्लेश पैदा ना होने दें। घर में जितना हो सके सफाई रखें, घर के चारों ओर सफाई हो, घर के चारों कोने साफ हों, खासकर ईशान, उत्तर और वायव्य कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। घर में सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाएं, कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियाँ ना बनवाएं। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांध कर रखें, साथ में कुछ कौड़ियाँ और चांदी तांबे आदि के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर उन्हें घर में रखना अलाभकारी होता है। यदि आप अपार धन की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी के से अपने पापों की क्षमा मांगकर प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हुए 5 मंगलवार बड़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उनके मंदिर में रख कर आएँ। घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। घर में कबाड़ या टूटे फूटे चीज़ नहीं रखने चाहिए। ना किसी का अपमान करें, ना किसी से झगड़ा करें। प्रतिदिन भगवान की पूजा करें। घर में कहीं बेकार जल जमा ना होने दें। इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर की नल की टंकी ना टपकती हो। अन्न बर्बाद ना करें, साफ सुथरे रहें, बिछावन आदि में साफ रखें, समय समय पर दान करते रहें। पूजा घर में टूटी फूटी मूर्तियां ना रखें और क्षतिग्रस्त चित्र ना रखें। जहां पैसा रखते हैं उस स्थान पर लाल कपड़ा बिछा दें। निरंतर प्रयास करते रहें, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो मेहनत और कोशिश करता है। अगर घर का फर्श या कोई भी हिस्सा टूटा हुआ है तो उसकी मरम्मत जरूर करवा लें, और अगर घर का रंग किए हुए भी बहुत दिन हो गए हैं तो रंग जरूर करवा लेना चाहिए। इस बात पर गौर करें कि आपके घर में कोई नकारात्मक काम हो रहा है, अगर हाँ तो उसे बंद कर दें। घर के मुख्य द्वार, पूजा घर आदि के दरवाजे पर 9 इंच या 9 सेंटीमीटर की लंबाई चौड़ाई के स्वास्तिक बनाएं। अपने इष्ट देव की प्रतिदिन पूजा करें। अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो उसे दूर करें। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक है। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। थैंक यू।